हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति और मैं विकास। टॉप रिपोर्टर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भारत की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है और उसी घटनाओं पर ये मूवी आधारित है। ठीक है, और ये जो घटना है वो 1998 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट भी रहे और उनके साथ साथ उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस घटना को लीड कर रहे थे उस वक्त वहाँ पर रहकर। तो ये ऐसी घटना, और ये लोग के लीडरशिप में एक ऐसी चीज़ मतलब हुई जो कि पूरी दुनिया को शॉक करने वाली थी, राइट? एग्जैक्टली। और जो युवा हैं, आजकल के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो ये कहना पसंद करते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है, तो उनके लिए ये मूवी, ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में ये घटना हुई थी 1998 में। एग्जैक्टली। तो ये है मूवी और मूवी का नाम है परमाणु, द स्टोरी ऑफ परमाणु के बारे में भी जानेंगे। Exactly, और जो पोखरण का जो स्टोरी उसके है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस मूवी की कास्टिंग है, जॉन अब्राहम जी, डायना पेंटी हैं और बमन ईरानी जी हैं, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा जी। सो स्टोरी के बारे में जानते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है जो 1998 में 11th मई में जो हुआ वो चीज़ इंडियन हिस्ट्री में शामिल हो गया और बहुत ही अहम माना जाता है जो 1998 में हुआ, 11th मई 1998। तो स्टोरी से मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा आपको, और आखिर में ये हुआ कहाँ से, कैसे चल चल के आया, और जो कि 1998 में ये हैपनिंग हुआ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मूवी में जो है वो 30 days हैं, ठीक है, मूवी से थोड़े से आपको बाहर लेके चलता हूँ, थोड़े से इंडियन हिस्ट्री में झांकते हैं कि आखिर वो चीज़ कहाँ से है, ठीक है। सो 1939 से 1945 जो कि टाइम था वर्ल्ड वॉर में, तो जानते हैं आप लोग ग्रेट पावर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सो उसके बाद तब तक हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी नाम का कुछ नहीं था, बट दे वर स्टिल प्लानिंग, और वहाँ पर प्लान किया होमी बाबा जी जो थे उनके साथ, मतलब वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर फिर काम चालू किए न्यूक्लियर एनर्जी में, स्टार्ट हुआ था। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट वो थे, और 1944 या 1945 में ऐसे में शुरू हुआ, 1950s में बेसिक्स पे काम चालू हो गया न्यूक्लियर एनर्जी के। ऐसे करते करते बहुत बीच में पॉलिटिशियंस भी आए, पॉलिटिक्स हुआ और काफ़ी कुछ हुआ। होने के बाद अल्टीमेटली 1974 जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, राइट, और उस वक्त पोखरण वन को अंजाम दिया गया था, और उसका नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। वो सी जी था, हाँ, वो भी एक सक्सेसफुल टेस्ट था न्यूक्लियर डेटोनेशन का, स्माइलिंग बुद्धा, हाँ, और उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ था जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट था, और वो भी सक्सीड हुआ था, बट वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ, दैट इज पोखरण टू, जिसमें ये मूवी बनी है, ठीक है। और इस मूवी की खास वजह ये है, इस मूवी को करने की खास वजह ये है कि इस वक्त जो मूवी में हुआ वो काफ़ी अलग था। पोखरण वन के टाइम जब स्माइलिंग बुद्धा जब हुआ तब उसमें वैसा कुछ सीन नहीं था, बट पोखरण टू जब हुआ उसमें काफ़ी, मतलब सैक्रिफाइसेस थे, काफ़ी क्रिटिकल, हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम थे, काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन वहाँ पे लेना पड़ा APJ अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इनके लिए ये मोमेंट जो है वो बहुत बड़ा साबित हुआ कि ऐसे सिचुएशंस को फेस करने के बाद वो चीज़, वो उस चीज़ में सक्सीड हुई जहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाई ये पूरे, मतलब इस इवेंट ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। या सो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो हुआ क्या था वो जानते हैं। CIA USA का जो खुफिया एजेंसी है, वो लोग हमारे देश में नहीं, वो लोग हर देश में स्पाई करते हैं। हमारे देश में भी उनका जो खुफिया था वो भी चल रहा था, सैटेलाइट्स लगे रहते थे हमारा, हाँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, ये सब भी थे, तो इन सब से हमें कोई मदद मिलनी नहीं थी। और 1995 से शुरू हो गया था कि पूरे वो लोग नज़र रख रहे हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी ना हो और कोई वॉर ना हो, सब मतलब पीसफुली चाह रहे थे, और बस हमारे देश में भी पीस,
मतलब शांति रख कर ही ये चीज़ किया जा रहा था ठीक है, सबसे छुप के किसी, हाँ सबसे छुप के ये चीज़ कंप्लीट किया जा रहा था, जो कि बहुत बड़ा टास्क था, राइट? कि इतना सैटेलाइट होने के बावजूद आप सबसे छुप के बच के अपना टास्क पूरा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। और उस वक्त जो ये मिशन था, ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 98 या फिर शक्ति 98 यहाँ, और पावर 98, ये सारे थे। और जो शक्ति है, शक्ति नाम के इनके मिसाइल्स थे, शक्ति 1, शक्ति 2, 5 मिसाइल्स थे, सॉरी 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जिनको इनको टेस्ट करना था सक्सेसफुली। सो फ्यूजन और फ्यूजन करके कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, उनका टेस्ट होना था। सो 11 मई को एक बॉम्ब का तीन बॉम्ब्स टेस्ट हुए जिसमें एक फ्यूजन था और दो फ्यूजन थे, दो फ्यूजन बॉम्ब्स थे क्या। और ये 11 मई को जैसे ही वो लोग इस चीज पे सक्सेसफुल हुए, तो उसी दिन अटल, हाँ नहीं उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मतलब ये घोषणा करवा दी कि अब जो है इंडिया, देश इंडिया जो है न्यूक्लियर स्टेट घोषित हो गया। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी उस दिन के बाद। तो यही चीज पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, बहुत जगह से अलग अलग रिएक्शन आने लगे पाकिस्तान की, इतना नजर रखने के बाद भी इन्होंने ऐसा काम कैसे कर दिया। मतलब CIA के लिए तो शर्मनाक वाली बात हो गई थी कि यार ऐसे में उस जो डेकेड है, उस डेकेड में सबसे शर्मनाक बात थी CIA वालों के लिए, और उनके सैटेलाइट होने के बाद भी उन लोग कुछ नहीं कर सके। और अल्टीमेटली ऐसा न्यूज आने मतलब देखने को मिला। सो ये था और ये था कहानी। इसमें और भी थे, जैसे वो मिशन जो था, मिशन में जितने भी इंजीनियर थे, जो सीनियर इंजीनियर थे, सीनियर साइंटिस्ट थे, बहुत कम लोगों को शामिल किया गया क्योंकि ये जो मिशन था वो सीक्रेट था एग्जैक्टली जो हम अभी डिस्कस किए। तो उसके बेसिस पे फिर फाइनली हम सक्सीड एग्जैक्टली। मूवी का स्टोरी तो हमें पता ही है, फैक्ट भी हमको पता है कि ये होना है, बाकी वो जो उस वक्त जो सिचुएशन वो लोगों ने फेस किया तो वो चीज़ को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे है असली मज़ा, ठीक है। तो जॉन अब्राहम के बारे में मैंने बताया नहीं, जॉन अब्राहम वो एज अ टीम लीडर, वो जो टीम थी टीम लीडर था उसमें, हाँ वहाँ पे मेन टीम वर्क दिखाया गया है। यहाँ पे कोई शायद हीरो हीरोइन कोई अलग से नहीं है, वो पूरा टीम वर्क दिखाया गया है कि टीम वर्क कैसे किया गया और उस चीज़ पे कैसे सक्सेस मिला, ये दिखाया गया है स्टोरी में। तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वी नीड टू इम्प्रूव। और बिल्कुल बताइए, शेयर कीजिए। चलिए टिल देन, तब तक के लिए नमस्कार।